हेलो नमस्कार, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को और मेरे सभी फ्रेंड्स को। दोबारा से आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, डैंड्रफ के बारे में। होता क्या है कि जब हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो हेयर फॉल को अकेले सिर्फ हेयर फॉल पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें हेयर फॉल हो क्यों रहा है। डैंड्रफ अगर आपको है तो उसकी वजह से आपके बालों को वो नरिशमेंट नहीं मिलेगा, चाहे आप ऑयलिंग करें, चाहे कोई सा भी मास्क लगाएं। तो मास्क जो है वो ऐसा होना चाहिए जो ना सिर्फ आपके हेयर फॉल की ट्रीटमेंट पे फोकस करे, आपके बालों को हेल्दी बनाए, बल्कि उसके साथ साथ आपका डैंड्रफ भी है उसको भी दूर वो हटाए। तो आज हम एक ऐसा ही मास्क कह लीजिए, ऑयल कह लीजिए, बनाने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप जिस तरीके से इस वीडियो में मैं बता रही हूँ आप इसको लगाएंगे तो आपका हेयर फॉल तो रुकेगा ही, साथ में डैंड्रफ भी खत्म होगा, बाल आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं, किस तरीके से बनाना है, ये सब देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इस तरीके का एक क्लीन बाउल, उसमें हम ऐड कर रहे हैं हम हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है कलौंजी। कलौंजी एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, इसमें एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से कि ये आपके हेयर डैमेज को रिवर्स कर सकता है एंड हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। ये हो गया कलौंजी। अब अगला हमारा इन्ग्रीडियंट क्या है? अगला इन्ग्रीडियंट हम ले रहे हैं मेथी दाना, यानी कि फेनिग्रिक सीड्स। सो मेथी दाना में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड का कंटेंट हाई होता है, जिसकी वजह से वो हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है और डैंड्रफ को भी प्रिवेंट करता है। और किसी तरह की अगर कोई और प्रॉब्लम्स हो गई हैं स्कैल्प से रिलेटेड, जैसे ड्राइनेस है हेयर्स की और बाल्ड पैचेस यानी कि गंजापन कहीं पे आपको फील हो रहा है, हेयर थिनिंग अगर आपको हो रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक करता है फेनिग्रिक सीड्स। अब हमें क्या करना है? ये हमने लिया हुआ है सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो ये हम ऐड कर देंगे इसमें, ये तकरीबन मैंने एक कप लिया हुआ है। सरसों का तेल एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है, आपके हेयर्स को वो नरिश करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपके बाल खुद ब खुद भी अच्छे होने लग जाएंगे। हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है और डैंड्रफ को ये प्रिवेंट करता है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं, कैसे हमें ये बनाना है। तो इस तरीके से एक कढ़ाई ले लें या कोई सा भी पैन ले लें, उसमें हम अपना ये जो हमने तीनों हैं इनको ऐड कर देंगे। सरसों का तेल, मेथी दाना और कलौंजी के क्या फ़ायदे हैं ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बारी आती है हमारे अगले इंग्रेडिएंट की। तो जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है ये, यानी कि हीना पाउडर, मेहंदी का जो पाउडर होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। नाउ हीना पाउडर में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बेनिफिशियल होती है उनके लिए जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। ऑल्सो इसमें विटामिन ई होता है जिससे आपके बाल जो हैं वो सॉफ्टन हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसे अच्छे से पकाना है। इसको अब बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो हमारा ऑयल जो है वह जल जाएगा, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे, लेकिन हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10 मिनट के लिए आपको इसको कुक करना है, तो टाइम देख लीजिए और 10 मिनट इसको प्रॉपर अच्छे से कुक कर लीजिए इसी तरीके से। ओके, ये हमारा अच्छे से 10 मिनट के लिए कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे इसको स्ट्रेन। स्ट्रेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस तरीके का एक ग्लास बॉटल है, एयर टाइट होना चाहिए है, उसमें हम इस तरीके से स्ट्रेनर रख सकते हैं और उसके ऊपर ऐसे मसलिन क्लॉथ आपने रखना है, सो दैट जो मेहंदी हमने इसमें डाली है, हीना पाउडर डाला है, वो पूरा ऑयल में अंदर ना चला जाए। अब हम धीरे धीरे ये पॉर कर लेंगे ऐसे। अच्छा, ये देखिए, ये ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसको लगाना कैसे है उस चीज़ में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इस अपने हाथों में ग्लव्स कोई पहन लेना है, उसके बाद इसको लगाना है। अदरवाइज देखिए किस तरीके से मेरे नेल्स में स्टेन जा चुका है, ऐसे ही आपके भी नेल्स और आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे। तो ग्लव्स पहन के इसको लगाएं, बिकॉज इसमें हीना है सो आपके वो हाथों को ख़राब कर सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, ओवरनाइट इसको नहीं लगाना है। अगर आप ओवरनाइट लगाना चाहते हैं तो
तो आपको अपने पिलो कवर को या फिर अपने हेयर्स को कवर करना होगा सो दैट कि आपका पिलो कवर और पिलो ख़राब ना हो जाए, उसमें स्टेन ना लगे, उसमें कोई निशान ना लग जाए। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए एक्चुअल में कि आपको इस ऑयल को गुनगुना करना है, गर्म करना है कभी भी जब भी आप इस ऑयल को लगाने वाले हैं। वो क्यों? ताकि आपके बालों में बेटर अब्जॉर्प्शन हो जाए, अच्छे से तेल एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये तेल आप अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन ये तेल एक अकेला ऐसा है जो ना सिर्फ हेयर फॉल को फाइट करेगा बिकॉज इसमें मेथी है और कलौंजी है, बल्कि उसके साथ साथ ही इसमें सरसों का तेल है, मेहंदी हीना पाउडर भी हमने यूज़ किया है, बल्कि हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के साथ साथ आपके डैंड्रफ को भी ये प्रिवेंट करेगा, अगर डैंड्रफ है तो उसको ख़त्म करेगा। और उसके साथ साथ आपके बालों में जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, आपके बाल अगर असमय सफ़ेद होने लग गए हैं तो उसको भी ये ठीक करेगा, मतलब आपके बालों का जो पिगमेंटेशन है उसको ये बना के रखेगा, पिगमेंट को लूज़ होने नहीं देगा। जो हमारा सरसों का तेल होता है और कलौंजी होता है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे कि आपके जो प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है हेयर्स की वो नहीं होगी। तो इसे ज़रूर लगाएं और आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके बाल जो हैं वो आपको घने, काले और डैंड्रफ से रहित मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के और भी बहुत सारे यूजफुल और ब्यूटी हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।